हंस हंस के काटो यार, हंस हंस के सुलझ जाती है सारी उलझन कभी कभी। मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। आते हैं इसी देश में भगवान कभी कभी। आते हैं इसी देश में कभी कभी। जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी। जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी। हंस हंस के सुलझ जाती है, हंस हंस के सुलझ जाती है सारी उलझन कभी कभी। हंस हंस के सुलझ जाती है कभी कभी। हंस हंस के सुलझ, हंस हंस के सुलझ, हंस हंस के सुलझ। रोना कोई चिकित्सा नहीं, हंसना चिकित्सा है। आजकल मैं देखता हूं, मैं तो अब टहलने जाता नहीं, कानपुर में जब कभी रहता हूं टहलने जाता हूं तो लोग पार्क में खड़े होकर हा हा हा। काहे? घर में हंसने ही नहीं दिया जाता है। ले, परंतु आपको हमारी रामकथा में कोई प्रतिबंध नहीं। अभी एक छोटा बच्चा रो रहा था, बच्चा रोवे बहुत अच्छा, माई न रोवे। हाँ, क्योंकि माई का रोना अच्छा नहीं साहब, हमको रोना आता है। एक साथ हजार बच्चे रोवे अपने राम जी को कोटे, बच्चों का खेल रोना है। बच्चा रो रहा है तो वो कुछ कह रहा है, अरे खिलौना लाओ, गुब्बारा लाओ, बम्बैया मिठाई लाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, ये बचपन है। बुढ़ापा पूछती है, जवानी जूझती है, बचपन रोता है और माताएं सजती हैं। सबका काम अलग अलग है, यही मानव जीवन है। प्रसन्न रहो, आज सारे विघ्न शांत हो जाएंगे। माई रो, माई रो रही है, माई रो रही है। माँ भगवती ने संभाला, माई तुम ते मिटी की विधि के अंका, मेरी माँ तो जन ले कलंक। माँ भगवान ब्रह्मा जी ने जो लिखा है, नारद जी ने तो कहा था जो विद लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि कौन मेटनी, मेरे प्रारब्ध में यही लिखे हैं, सो मुझे मिल गए। इसका स्मरण रखिए, और जो मिला है वाह क्या बात है। माँ को माँ ने समझाया, वेद सिर आदि को लेकर नारद जी महाराज पधारे, पार्वती मैया के पिछले जन्म की गाथा गाई गई। भगवान ब्रह्मा जो निर्देश दिए थे उसका सहज पालन हुआ, और इधर जैसे ही पता चला कि हमारी बेटी बेटी नहीं है तो जगत की जननी आदिशक्ति पारम्बा जगदम्बा दुर्गा मैया हैं, तब मैना और हेमवंत को बड़ा आनंद हुआ। तब मैना हेमवंत वनंदे पुनि पुनि पार्वती पद लगे हो न पुर मंगल गाना सजे सब हाथक घटना सो जवनार की जाई बखानी बसई भवन जे मातु भवा सोच बना की जाई बबाई
इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।